हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुछ भी सीखो विद तनवीर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्लावर वाली जैकेट का थर्ड पार्ट। इसके दो पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो इस जैकेट के लिए एक लाइक कर दें। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। अगर आप बिगनर हो तब भी इस जैकेट को आसानी से बना सकते हो, क्योंकि मैंने इसको डिटेल के साथ पूरा बनाना बताया है। तो वीडियो को आप पूरा वॉच करिएगा, जिससे कि बनाते टाइम किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, आसानी से बना सकें और कुछ नया सीख भी सकें। देखिए, इस जैकेट को 36 से 38 साइज़ के लिए हमने बनाया है। अगर आप इसे 40 साइज़ में बनाना चाहते हैं तो इसको मैंने पूरे डिटेल के साथ इसमें बनाना बताया है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि इसी तरह की और भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ सवाल आता है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई मैं कर देती हूँ। सेकेंड पार्ट में हमने यहाँ तक बना लिया था, आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये फ्रंट साइड है, 1, 2, 3, 4 लंबाई में। देखिए, फ्रंट साइड पर हमने 4 फ्लावर लगाए हैं, ये देखिए ऐसे। ये 3 फ्लावर के बाद हमने ये देखिए यहाँ आर्महोल निकाला, 3 फ्लावर के बाद 1, 2, 3 के बाद यहाँ आर्महोल निकाला। ये जो चौथा वाला फ्लावर है इस पे आर्महोल, यहाँ पर एक पूरा फ्लावर लगाया है और एक हाफ लगाया है। इस देखिए, ये देखिए, ये फ्रंट हो गया और ये हमारा आर्महोल हो गया, ये आर्महोल हो गया। ये देखिए तीसरे वाले फ्लावर पर, देखिए ये बैक में हमने ये देखिए 1, 2, ये 2 हमारा फ्रंट का हो गया हिस्सा, ये 1 और 2 फ्रंट का हिस्सा हो गया, और 4 फ्लावर हमारे बैक के, 1, 2, 3, 4। तो 2 फ्लावर देखिए, ये तीसरे वाले पर ये हाफ फ्लावर लगाया है और फिर 2 फ्लावर बीच में पूरे लगाए हैं, ये और ये पूरे लगाए हैं, और फिर ये जो चौथा वाला फ्लावर है यहाँ पर भी हमने हाफ फ्लावर लगाया है, ये देखिए 1, 2। तो ये हमने यहाँ पर बैक में हमने 2 फ्लावर लगाए, 1, 2 आगे नहीं लगाया, आगे हमें गला घटाना इसलिए नहीं लगाया, बैक में हमने 2 फ्लावर लगाया है। तो इस तरह देखिए, 2 हाफ इस साइड है और 2 हाफ इस साइड है, ये देखिए इस साइड है, तो दोनों साइड पे 2-2 हाफ है, और दोनों फ्रंट पर भी इसी तरह देखिए, इस फ्रंट पर भी एक हाफ है, देखिए ये एक हाफ एक फुल, ये एक हाफ एक फुल, ये इस तरह बनाया है। कि ये आर्महोल यहाँ पर हमारा ज़्यादा छूटा हुआ है। अगर जैसे आप 40 साइज के लिए बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पर पहले हम 2 रो इसे कम्प्लीट बना लेंगे, लेकिन हम इसको 36 से 38 साइज़ के लिए बना रहे हैं तो ये यहाँ पर हम डिक्रीज कर देंगे। देखिए, पहले ये जो हमने आर्महोल के लिए छोड़ा ये देखिए, ये यहाँ पर हम बनाएंगे। तो अगर आप 40 साइज़ के लिए बना रहे हैं तो सभी चैन पर एक डबल क्रोशिया यहाँ बनेगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये जो है ये फर्स्ट रो, देखिए ये यहाँ से, ये देखिए ये जो 3 चैन है, ये यहाँ 3 चैन है, इस चैन पर क्रोशिया डाल के ये स्लिप नॉट पहले ही से बना लिया है, इसमें यहाँ से एक स्लिप नॉट निकाल लेंगे और एक चैन बना लेंगे स्लिप नॉट। अब ये जो है यार्न को वर्क करेंगे, ये नेक्स्ट चैन जो है, ये नेक्स्ट चैन, ये इसके बगल वाला जो चैन है इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, ये इस तरह एक डबल क्रोशिया। अगर देखिए आप, हम बता रहे हैं, अगर आप 40 साइज का बना रहे हैं तो ये जैसे एक डबल क्रोशिया ये बनाया, फिर इस पर भी एक डबल क्रोशिया, ये तो यहाँ हम सभी चेन पर एक डबल क्रोशिया, 40 साइज का बना रहे हैं तो यहाँ हम कुछ घटाएंगे नहीं, एक डबल क्रोशिया सभी चेन पर एक डबल क्रोशिया, ये इस तरह करके बना लेंगे, ये ऐसे करके। यहाँ बीच वाला जो है ये इसमें क्रोशिया डाल के, इसमें क्रोशिया डाल के यहाँ पर एक डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि यहाँ 3-3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाया, सभी पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो लूज हो जाएगा, तो इस तरह ये डिक्रीज करके फिर देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, इस पर भी एक डबल क्रोशिया, ये अगर आप 40 साइज का बना रहे हैं तो इस तरह बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक डबल एक लूप निकालेंगे, इस वाले से भी एक लूप निकालेंगे, ये जो 2 चैन स्पेस है, ये देखिए 2 चैन स्पेस यहाँ है यहाँ है, तो इसको दोनों को एक साथ बनाएंगे, फिर यहाँ फिर सेम वही करेंगे जैसे वहाँ करा था, ये सभी पर यहाँ एक डबल क्रोशिया ये बना लेंगे, फिर जैसे हमने यहाँ पर एक डिक्रीज किया था, देखिए ये इस साइड, वैसे हम इस साइड भी एक डिक्रीज कर देंगे,
जैसे ये यहाँ किया वैसे यहाँ कर देंगे, एक दो, तो बीच में तीन जगह हम इस तरह बनाएंगे। देखिए एक यहाँ दो चेन स्पेस में, देखिए ये जो दो चेन स्पेस है दो, यहाँ एक बनाएंगे, एक इस साइड बनाएंगे, एक इस साइड, फिर यहाँ से सभी चेन पर एक डबल क्रोशिया, एक और देखिए ये लास्ट वाला चेन है इस पर भी एक डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ हमने स्लिप स्टिच बना लिया। अब देखिए इसको हम देखिए इसको इस साइड से देखिए ये ऐसे। अब यहाँ से हम बनाएंगे सभी चेन पर एक डबल क्रोशिया, ऐसे सभी चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए ये लास्ट वाला ये इसमें एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये इसके ऊपर वाला रो इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसके ऊपर वाला रो इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर तीन चेन बना के यहाँ स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक रो और कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह चार पाँच जितना यानी आर्म होल जितना रखना है, जैसे आपको आर्म होल जितना रखना है, अगर आपको आर्म होल यहाँ तक रखना है तो आप यहाँ तक बना लें। देखिए आपको आर्म होल जितना रखना है उतना छोड़ दें, बाकी सभी पर आप इसी तरह एक डबल क्रोशिया बना के ये गैपिंग भर लें। ये हमको 36 से 38 बनाना है तो इसलिए इसको हम खोल के हम 36 से 38 कैसे बनाएंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ बना के ये एक डबल क्रोशिया जो बनाया था, सिर्फ एक डबल क्रोशिया नहीं खोलेंगे बाकी सब खोल देंगे। देखिए ये थ्रेड जो आ जाता है इसको जो है ये इस लाइन पे ऐसे करके यहाँ बैक में हम इस तरह करके निकाल देंगे। ये ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ हम बनाएंगे देखिए दो दो डबल क्रोशिया, यहाँ हम सभी पर दो दो डबल क्रोशिया को एक साथ बनाएंगे, यानी यहाँ हम डिक्रीज करेंगे, इसमें से एक लूप निकालेंगे, इसमें से एक लूप, तीन लूप को एक साथ निकालेंगे, दो एक दो, यहाँ एक डिक्रीज हो गया, फिर हम इसी तरह करेंगे दो को एक साथ, तीन को एक साथ, फिर दो को एक साथ, तो हम यहाँ दो दो करके एक साथ बनाएंगे। इसको भी इस साइड हम जो है अब देखिए इसमें से भी एक लूप और जो है ये देखिए इसमें, यहाँ हम सभी पे दो दो डबल क्रोशिया को एक साथ बनाएंगे, यानी यहाँ हम डिक्रीज कर देंगे कि यहाँ नीचे हमारा चौड़ा रहेगा, ऊपर हमारा जितना चेस्ट है बस उतना ही रखेंगे। तो ये डिक्री ये लास्ट वाला एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए ये रो देखिए यहाँ लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये रो यहाँ कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर एक स्लिप स्टिच, एक दो तीन, तीन चेन बना के इसके ऊपर वाला रो देखिए ये कंप्लीट होता है, यहाँ एक स्लिप स्टिच। अब इस साइड से बनाएंगे देखिए इस साइड से हमें बनाना है सभी चेन पर एक डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये लास्ट वाला दस।
अब देखिए ये वाला रो यहाँ कंप्लीट होता है, तो इसमें एक स्लिप स्टिच, फिर एक दो तीन, तीन चेन बना के ये लास्ट में देखिए ये यहाँ पर ये रो, ये देखिए इसके ऊपर ये कंप्लीट होता है। ये देखिए इस वाले में इसमें एक स्लिप स्टिच, यहाँ हम एक स्लिप स्टिच। अब देखिए इस साइड से भी सेम वही बनाएंगे हम। यहाँ हमारे 10 डबल क्रोशिया है, सभी पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक दो तीन, ये देखिए तीन रो कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना दिया। देखिए दोनों एक, देखिए ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, यहाँ ये लीफ पैटर्न है, ये देखिए यहाँ पर भी बना है यहाँ पर। अब देखिए इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर हम देखिए एक दो तीन, तीन चेन बना के देखिए हम स्लिप स्टिच जो है ये वाला रेड नहीं, इसको छोड़कर इस पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ, ये दूसरे वाले पे यहाँ स्लिप स्टिच बनाने के बाद पूरा रो यहाँ कंप्लीट करेंगे। पूरा रो कंप्लीट करने के बाद हम दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ स्लिप स्टिच बनाने के बाद सभी चैन पर एक डबल क्रोशिया बना लिया। ये लास्ट वाला चैन है, इस पर भी एक डबल क्रोशिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला रेड का, ये रेड वाली ये लाइन स्किप करके इस वाले पर, इस वाले पर यहाँ एक स्लिप स्टिच इसमें बनाएंगे। ये देखिए इसमें एक स्लिप स्टिच, ये चौथा रो कंप्लीट हो गया। तो दोनों, ये देखिए दोनों यहाँ से बराबर हो गया। जैसे अगर आपको ये लगता है कि आर्महोल अब भी ज़्यादा है ये इतना, तो एक रो और यहाँ पर ऐसे करके पांच चेन बना के एक रो और कंप्लीट कर लें। हम एक रो और बना लेते हैं, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद अब देखिए ये वाला स्किप करके अब इसमें हम जो है एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये ऐसे करके ये एक स्लिप स्टिच, यानी ये रिंग से पहले जो रिंग पे ये हाफ डबल क्रोशिया बनाए इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ से पूरा एक रो यहाँ हम कंप्लीट कर लेंगे। पूरा एक रो कंप्लीट करने के बाद, पूरा यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद इसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए रिंग, ये रिंग है और ये हाफ डबल क्रोशिया का रो है, तो इसमें हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। बस हम ये पाँच रो कंप्लीट करेंगे, पाँच रो, और इतना हम इतना ऊपर ये इतना आर्महोल के लिए छोड़ देंगे, इतना आर्महोल के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए रो कंप्लीट कर लिया, ये देखिए रिंग से पहले देखिए यहाँ इसमें एक स्लिप स्टिच बना के ये रो कंप्लीट, तो ये पांच रो कंप्लीट कर लिया। पांच रो कंप्लीट करने के बाद अगर आप 40 का बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो है 10 की जगह आपके यहाँ 19 डबल क्रोशिया होंगे, 19 डबल क्रोशिया होंगे। तो यहाँ पाँच डबल क्रोशिया, ये चार डबल क्रोशिया या पाँच डबल क्रोशिया इस साइड से बना लीजिएगा, पाँच डबल क्रोशिया इस साइड से बना लीजिएगा। ओके, तो दोनों पूरा लंबाई पे, पूरे लंबाई पर यहाँ तक बनेगा, पूरे यहाँ लंबाई तक बनेगा इसी तरह। अब जो हम तीन चेन बना के इसमें एक एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर उसके बाद इसमें बनाएंगे और फिर यहाँ इस वाले पे बनाएंगे। जैसे हम जैसे यहाँ नीचे बनाए उसी तरह स्लिप स्टिच बनाते हुए पूरा पूरा हम यहाँ तक बना लेंगे। पांच डबल क्रोशिया इस साइड से और पांच डबल क्रोशिया इस साइड से, यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक कंप्लीट करना है। ओके, अगर 40 का बना रहे हैं हम तो 36 करके यहाँ पे हमने आर्म होल घटा दिया, तो अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 10 डबल क्रोशिया है। तो हम जो है सिर्फ यहाँ पर अब यहाँ स्लिप ये एक चैन बना के यहीं से हम कट कर देंगे। अब ये हमारा ये आर्म होल बनेगा, और जैसे हमने इस साइड बनाया वैसे हम इस साइड भी ये बना लेंगे यहाँ इस आर्महोल पे। देखिए और 40 साइज के लिए देखिए सभी चैन पर एक डबल क्रोशिया यहाँ बनेगा, सिर्फ एक यहाँ डिक्रीज करेंगे, एक यहाँ डिक्रीज करेंगे, यहाँ बीच में 40 साइज में सिर्फ तीन डिक्रीज कर देंगे, बाकी सभी चैन पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए अब फ्रंट पे ये बनाएंगे, ये हमने एक ही फ्लावर लगाया, तो ये देखिए यहाँ बैक में हमने दो फ्लावर लगाया, तो ये आर्महोल यहाँ हमें कंप्लीट करना है और इधर नेक घटाना है, तो इसलिए हम जो है यहाँ पर ब्लैक से बनाएंगे। देखिए हमने स्लिप नॉट पहले ही से बना लिया। अब देखिए ये जो दो चैन स्पेस है, ये दो चैन स्पेस है, इसमें क्रोशिया डाल के यहाँ पर हम पहले एक लूप निकाल के एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे, इसको
तीन चेन को काउंट करेंगे तो एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन जो है ये हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इसके बगल वाले चेन पे इस पर भी एक डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ तीन तीन डबल क्रोशिया बनाए एक साथ, सभी पर एक एक बनाएंगे तो लूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डिक्रीज कर देंगे, एक इसमें डालेंगे एक इसमें, तो ये दो लूप को एक साथ निकाल के ये देखिए एक एक डिक्रीज यहाँ कर दिया। अब एक डबल क्रोशिया इधर भी, इस वाले पर भी एक डबल क्रोशिया, इस पर भी। अब एक यहाँ डिक्रीज कर देंगे, देखिए एक यहाँ शुरू में किया था, एक यहाँ कर देंगे डिक्रीज, ये भी हम बना लेंगे और इसमें एक करके, और ये वाले देखिए दो हो गए। अब यहाँ नहीं करेंगे, फिर इस पे कर देंगे तो तीन हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ सभी पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक लूप निकालेंगे, एक लूप इस वाले चेन से निकालेंगे, ये भी यहाँ पर एक डिक्रीज कर दिया, और फिर यहाँ हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसको ये बैक में ऐसे करके यहाँ पर हाइड कर लेंगे। अभी हम पहले ऐसे बना लेते हैं, देखिए इस दो चेन स्पेस में डालेंगे, यहाँ से एक लूप निकालेंगे, और दूसरे वाले दो चेन स्पेस में डालेंगे, यहाँ से भी एक लूप निकालेंगे, ये ऐसे करके बना लेंगे। और फिर अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, इसमें भी एक डबल क्रोशिया, अब इस लूप में डालेंगे और इसमें डालेंगे, यहाँ दो एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर नहीं, अब एक यहाँ यहाँ डिक्रीज कर देंगे, एक यहाँ डिक्रीज कर देंगे, एक यहाँ हाफ वाले में, ये देखिए दो डिक्रीज किया और एक बीच में किया। फुल वाले में कितने डिक्रीज हुए हैं, देखिए एक दो और तीन, तीन डिक्रीज फुल वाले में किया और एक बीच में, और यहाँ पर देखिए एक ये हाफ वाले में एक यहाँ और एक यहाँ दो, यानी कि टोटल हमने छः डिक्रीज किया, एक देखिए इस जॉइंट पे और तीन यहाँ बीच में और दो इस साइड पर। अब देखिए एक इसमें से लूप निकालेंगे, एक इसमें से, एक यहाँ पर डिक्रीज कर देंगे। ये आप अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा कम, आप अपने ऊन के हिसाब से डिक्रीज कर लें, जितना आपके समझ में आता है। यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा डिज़ाइन पे, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इसको, यहाँ कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम अब इसी को, अब यहाँ से आएंगे सभी चैन पर एक डबल क्रोशिया, तो इसे हम पांच रो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए इसे पांच रो कंप्लीट कर लिया, एक दो तीन चार पाँच, पांच रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हमने रेड वूल लगा लिया है। ये देखिए ये बैक साइड आ गया, ये देखिए ये आर्म होल का साइड है, तो आर्म होल के साइड से हमने ये रेड वूल लगाया है। तो अब देखिए यहाँ पर तीन चैन बना लिया है, और ये देखिए नेक्स्ट चैन, नेक्स्ट चेन एक डबल क्रोशिया। यहाँ हम जो है तीन चेन को काउंट करेंगे तो यहाँ हमें 20 डबल क्रोशिया बनाना है, बस 20 डबल क्रोशिया बनाना है, बाकी हम वहाँ से नेक घटाएंगे। तो इसको हम 20 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए 20 डबल क्रोशिया बना के, देखिए उनको यहीं पे हमने छोड़ के, यहाँ से ग्रीन से भी हमने इस साइड से ग्रीन से 20 डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ पे ऊन कट कर दिया। अब फिर देखिए ये रेड ऊन यहीं पे हमने छोड़ दिया था, अब यहाँ से हम देखिए कि तीसरे वाले चैन से यहाँ से हम ये एक लूप निकाल के एक दो तीन, तो यहाँ हम सभी चैन पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, यानी 20 डबल क्रोशिया है, 20 पर 20 बना लेंगे। और ये देखिए इतना हमने, ये देखिए 11 डबल क्रोशिया हमने इस साइड छोड़ दिया है नेक के लिए। तो ये हम सभी पे एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम चार रो और बना लेंगे, तो पूरा चार रो और कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके आगे दिखाते हैं। ये देखो इसको हमने चार रो, और ये रेड की दो धारी डालने के बाद चार रो इसके ऊपर हमने ये एक दो तीन चार, चार रो कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए, देखिए आर्म होल के ये बराबर आ गया, दोनों साइड ये बराबर हो गया। तो अब इसको हम जो है ऐसे करके ये ऐसे इस साइड से ऐसे
इसको हम ऐड कर लेंगे, दोनों ये ऐसे शोल्डर को हम ऐड कर लेंगे इस तरह करके। अब देखिए ये बैक का, ये देखिए ये आर्महोल साइड है, ये देखिए इस तीसरे वाले चैन पर हम क्रोशिया डालेंगे, क्रोशिया डालेंगे और ये देखिए ये जो लूप है इस साइड निकाल लेंगे, ये लूप है, ये देखिए ये आर्महोल है, ये आर्महोल है। इस लूप को देखिए, ये फ्रंट पे जो ये लूप, ये चैन है, इसको हम इस साइड निकालेंगे। ये इस साइड निकालने के बाद देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे ऐसे। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस चैन पे क्रोशिया डालेंगे, इस पे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ इसमें क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच। अब देखिए इसमें क्रोशिया डालेंगे, यहाँ जैसे हमने डिक्रीज किया था वहाँ यहाँ पर भी हम डिक्रीज करेंगे। इसको दो चैन को अब एक ही इसी लूप में हम इस दो चैन को स्लिप स्टिच बनाएंगे। पहले इसमें से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर इसी चैन में फिर क्रोशिया डाल के ये बगल वाले चैन पे क्रोशिया डालेंगे, फिर इसी में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो दो चैन पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस तरह ये जो है डिक्रीज हो गया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फंदे डिक्रीज किया तो यहाँ पर भी हमको ये डिक्रीज करना पड़ेगा जॉइंट पर भी, वरना जो है एक चौड़ा हो जाएगा एक सादा हो जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ डिक्रीज किया उसी तरह यहाँ पर भी हम डिक्रीज कर देंगे। ये देखिए, फिर देखिए अब इस चैन पर हम दो स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक ये वाले चैन का बनाएंगे एक ये वाले चैन का। पहले इसमें डाल के ये देखिए ऐसे करके ये एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर यहाँ से इसी में चैन डालेंगे और इस वाले में दूसरे वाले चैन पर क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो इसी तरह हम जो है डिक्रीज करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए इस साइड हमने चार टाइम डिक्रीज किया है, दो इस साइड। तो अब जो है यहाँ पर हम एक चैन बना के ये कट कर लेंगे। ये देखिए जैसे उस साइड हमने ये बनाया था नेक पर, वैसे हमने इस साइड भी बनाया। इस साइड हमने देखिए यहाँ बैक से स्टार्ट किया है, पांच रो हमें बनाना था तो बैक से स्टार्ट करके ये हमने पांच रो कंप्लीट किया, फिर उसके बाद बनाया। तो ये देखिए इसको बैक से स्टार्ट करके इसी तरह बनाया, जैसे हमने उस साइड यहाँ पर डिक्रीज किया था तीन टाइम ये बड़े वाले फूल पर, दो टाइम ये छोटे पर और एक यहाँ बीच में, सेम उसी तरह यहाँ पर भी डिक्रीज कर लीजिएगा और ये ऐसे कंप्लीट बना लीजिएगा। और ये देखिए हमने यहाँ पर भी इसी तरह ऐड कर लिया, ये देखिए तो दोनों शोल्डर हमारे ऐड हो गया। देखिए ये भी ऐड हो गया और ये भी ऐड हो गया। देखिए हम यहाँ बटन पट्टी बनाएंगे, ये जो टेल है इसको हम बैक में यहाँ पर हाइड कर देंगे। देखिए अब यहाँ हम बटन पट्टी बनाएंगे, तो देखिए ये दो चैन स्पेस है, इसमें क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से हम एक लूप निकाल के एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे, नेक्स्ट चैन एक डबल क्रोशिया, इस पर भी एक डबल क्रोशिया। यहाँ हम डिक्रीज करेंगे, इसमें क्रोशिया डालेंगे, इस पे क्रोशिया डालेंगे और एक डिक्रीज कर देंगे। अब इसमें वाले पे इस पर डिक्रीज नहीं करेंगे, यहाँ फिर डिक्रीज कर देंगे, फिर इस पे डिक्रीज नहीं करेंगे, यहाँ डिक्रीज कर देंगे, फिर यहाँ ना करके यहाँ कॉर्नर पे कर देंगे। तो पूरा हम इसी तरह बनाएंगे सभी पर, यहाँ कॉर्नर पर कर देंगे और फिर जो है यहाँ पर हम एक कर देंगे, फिर यहाँ एक कर देंगे, एक यहाँ, तीन बीच में और एक ये देखिए इस जॉइंट पर। इसमें ये दो चैन स्पेस में क्रोशिया डालेंगे, यहाँ दो चैन स्पेस में क्रोशिया डालेंगे, दोनों को एक साथ बना देंगे। तो पूरा हम इसी पर बाकी सभी पर एक डबल क्रोशिया, यहाँ तीन डिक्रीज करते हुए बनाएंगे। अगर तीन डिक्रीज नहीं करेंगे तो ये हमारा जो है ये एकदम फैल सा जाएगा, तो इस तरह ये बराबर आएगा। ओके, तो पहले हम इस तरह बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं। ये देखिए पूरे बटन पट्टी पर यहाँ तक हमने बनाने के बाद देखिए यहाँ से डबल क्रोशिया, ये पांच रो हमने जो ये नेक पे डबल क्रोशिया यहाँ बनाया था, तो यहाँ देखिए सभी पर हमने दो दो डबल क्रोशिया, देखिए दो डबल क्रोशिया इसमें बनाया, दो डबल क्रोशिया इस वाले डबल क्रोशिया पे, दो इस पे, दो इस पे, और इसमें देखिए एक बनाने के बाद एक लास्ट वाले चैन पर बना दिया। फिर यहाँ से अब देखिए इस साइड से हमने क्या किया, यहाँ से तीन चैन बना के नेक्स्ट चैन इसमें फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर एक चैन बना के ये एक चैन स्किप करके नीचे, फिर यहाँ फ्रंट पोस्ट बनाया। तो ये बटन होल हमने बना दिया, ये देखिए एक बटन होल यहाँ,
ये एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट करके ये देखिए हमने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बटन होल बनाया है। ये देखिए ये एक फ्रंट पोस्ट बनाया है यहाँ पर, और ये एक चेन बनाने के बाद देखिए ये वाला स्किप कर देंगे और नेक्स्ट चेन इसमें फिर एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इसी तरह देखिए हमने यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर भी बनाया, फिर अब जो है एक बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर एक फ्रंट पोस्ट, ये बैक पोस्ट जो पीछे से डाल के बनाते हैं उसे बैक पोस्ट, जो आगे से डाल के डबल क्रोशिया बनाते हैं उसे फ्रंट पोस्ट, ये पीछे से डाल के ये डबल क्रोशिया बनाते हैं फ्रंट बैक पोस्ट। ये जो आगे से डाल के डबल क्रोशिया बनाते हैं ये फ्रंट पोस्ट है, और ये बैक पोस्ट लास्ट वाला बैक पोस्ट। अब देखिए इस वाले चेन पर एक डबल क्रोशिया, यहाँ लास्ट वाले चेन पर एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से ये ऊन हम कट कर देंगे। ये दो रो हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए दूसरे साइड भी हमने ये बटन पट्टी बना लिया है। इस पे रेड पे अभी सिंगल क्रोशिया चलाना, तो पहले हम ये नीचे का बॉर्डर बना लेते हैं, ये नीचे हम पहले बना लेते हैं फिर हम रेड से बनाएंगे। जैसे हमने ये बटन पट्टी पे डिक्रीज करते हुए बनाया वैसे यहाँ पर भी हम इसी तरह बनाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो हम जो है स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये स्लिप नॉट लगा लिया है, एक दो तीन, इसी डबल क्रोशिया पे एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, दो हो गया। अब ये वाला डबल क्रोशिया है बटन पट्टी पे, देखिए ये बटन पट्टी पे एक डबल क्रोशिया ये है, एक ये है, दो रो हमने बनाया था, दोनों रो पे हम दो दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और दो। देखिए दोनों रो पर हमने दो दो डबल क्रोशिया बनाए, इस रो पर भी हमने दो डबल क्रोशिया बनाए, इस रो पर भी। अब यहाँ से हमारा चैन स्टार्ट है। अब देखिए ये देखिए दो चैन स्पेस है, इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, इस पर भी एक डबल क्रोशिया। अब देखिए इसको दो को एक साथ बनाएंगे, दो डिक्रीज करेंगे, जैसे हमने बटन पट्टी पर बनाया था डिक्रीज करते हुए, वैसे हम यहाँ पर भी डिक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पर एक डिक्रीज करेंगे, इस पर नहीं करेंगे, फिर यहाँ एक करेंगे, इस पर नहीं करेंगे, फिर यहाँ एक करेंगे, फिर इसको दोनों को एक साथ बनाएंगे, दोनों को एक साथ करके बनाएंगे। तो इसी तरह डिक्रीज करते हुए हम यहाँ नीचे बॉर्डर पर भी ऐसे डिक्रीज करते हुए सभी पर एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए नीचे का बॉर्डर हमने दो रो कम्प्लीट कर लिया है, एक और दो। ये देखिए हमने इसको यहाँ बीच में तीन टाइम हमने डिक्रीज किया है, एक टाइम यहाँ इस पर सभी यहाँ ज्वाइंट पर, एक टाइम हमने यहाँ पे डिक्रीज किया और तीन टाइम बीच में। तो पूरे में हमने ये देखिए डिक्रीज करते हुए ये पूरा बना के और सेकेंड रो भी हमने ये कंप्लीट कर लिया, सभी चैन पर एक डबल क्रोशिया सेकेंड रो। तो एक दो, दो रो हो गए। अब वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए बाकी का काम हम फोर्थ पार्ट में बताएंगे। अगर आप लोगों को ये जैकेट की डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।